नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख खिलाड़ी नंबर वन, मैं हूं हर्षदा सावंत और मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तीन जानकार जो आपको बताएंगे आज के दिन क्या आपकी मार्केट में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उनके कॉल्स के जरिए आपके भी पोर्टफोलियो में बेहतरीन रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। लेकिन पहले मार्केट का कॉल इस समय देख लेते हैं। 11,275 के आसपास देखिए निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो हमारे तीनों जानकार श्रीकांत चौहान, ए के प्रभाकर और मनीष शर्मा से पूछेंगे कि आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। याद रखिएगा, आज है वीकली एक्सपायरी का दिन, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है एक्सपायरी के दिन। और आज एक अच्छी खासी तेजी के साथ ओपनिंग के बाद ऊपरी लेवल से बाजार फिसला जरूर है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 11,276.75 के आसपास तक का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है और 11,300 के पार इनफैक्ट निकला था लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक देखिए, आज 28,552 तक का हाई इसने छुआ, वहां से हलके हुए डेज लो से लगभग 150-200 अंकों की रिकवरी जरूर देखने को मिली है लेकिन अभी भी 28,300 के रेडार में ही इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। कुछ स्टॉक सबसे ज्यादा एक्टिव है आज के ट्रेड में, उसमें ऑफकोर्स टेलीकॉम कंपनियां सबसे तेजी से अपनी चाल को मजबूत कर रही हैं। वोडाफोन हो, भारती हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स हो, वहां पर हमने देखा एक बहुत बढ़िया तेजी की चाल देखने को मिली है और ये काउंटर्स इनफैक्ट आउट परफॉर्म करते हुए और RIL तो आज हमने आपको बताया ही ये बाजार का बादशाह बना है, करीब 2.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। एक और काउंटर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो दरअसल है ग्रासिम का। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 35 रुपए की बढ़त पर आज ट्रेड इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ एक और निफ्टी का गेनर है ग्रासिम, जिसमें आज इंट्राडे में करीब करीब 5% तक की तेजी देखने को मिली थी और अब 3.5% की बढ़त पर ये कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा शांत जरूर है लेकिन यहाँ पर भी इंट्राडे में कुछ काफी बढ़िया ट्रेड्स देखने को मिले हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब, जहां पर एक ब्रोकरेज व्यू आया, काफी अग्रेसिव टारगेट्स आए तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। बायोकॉन में हमने देखा निचले लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है और सरकारी कंपनियों में आज फिर हरकत देखना शुरू हुई है। राइट सो, शिपिंग कॉरपोरेशन जैसे काउंटर्स हो, इन सब में इस समय तेजी का ही तड़का लगा है। चलिए अब जानते हैं हमारे जानकारों से कि वो क्या ट्रेड लेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी आज के दिन एक्सपायरी के दिन कैसी रहेगी। आप सभी का स्वागत है। अब तक के रिटर्न्स भी अगर स्क्रीन पर हो सके तो डायरेक्टर साहब लेकर आइए तो अंदाजा मिलेगा कि किनकी ट्रेड सबसे ज्यादा काम कर रही है और किन जानकारों को थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए कल तक के रिटर्न्स, श्रीकांत ने काफी बढ़िया ट्रेड्स लिए और 3.5% के रिटर्न्स इन्होंने कल यानी कि डे 3 के एंड तक कमाए। दूसरे स्थान पर मनीष शर्मा थे, ए के प्रभाकर करीब 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स कमा रहे थे। तो आज श्रीकांत फिर आप ही से जानेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक तो एक्सपायरी की वॉलिटिलिटी को कैसे प्ले करना है, दोनों शॉर्ट और तेजी के कॉल्स रहेंगे। देखिए मुझे लगता है कि अगर आज के दिन में अगर निफ्टी को ट्रेड करना है तो जैसे पुट कॉल रेशियो है या तो जो ऑप्शन डेटा है उसके बेसिस पे ये समझ में आ रहा है कि जो मार्केट है वो शायद इसी रेंज के आसपास बंद हो सकता है क्योंकि अगर आप पिछली एक्सपायरी भी देखेंगे तो 11,310 के करीब थे हम लोग और तब भी फ्लैट एक्सपायरी थी मार्केट की। इस बार भी मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद ऐसा हो सकता है कि अगर इंट्राडे में अगर एक स्पाइक अगर दे तो 11,300 के करीब, मुझे लगता है कि 300-320 के करीब ये सेलिंग प्रेशर में आ सकता है क्योंकि वहां पे काफी अच्छा कॉल राइटिंग है और अगर 11,220-230 के करीब अगर आए तो वहां पे अच्छी बाइंग हो सकती है। तो इंट्राडे में वेट करें और स्पेसिफिक ट्रेड अगर आप ले सकते हो तो 11,300 में शॉर्ट करें, 11,200 में बाय करें। ओके, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा, ऊपरी तरफ पर शॉर्ट की पोजीशन और निचले लेवल्स पर आप रिकवरी में खरीदारी करेंगे। मनीष आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज? जैसे कि मैंने पिछले दो शो में भी कहा था कि 11,350 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि कल ट्रेडिंग सेशंस में अचीव हो चुके हैं। अब यहां से लेवल जाते हैं 11,500 तक के, तो मुझे लगता है अगर कल का है निफ्टी अगर क्रॉस कर लेता है तो इमीडिएटली टारगेट होंगे 11,500 तक के जो कि वी आर एक्सपेक्टिंग टिल नेक्स्ट वीक। सो कोई भी टिप रहेगा 11,250 के आसपास काफी अच्छा बाय रहेगा, 11,200 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 11,500 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे टिल दी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी, डिप्स पर खरीदारी वाला ये मार्केट है। इस एक्सपायरी में थोड़ी सी सॉफ्ट क्लोजिंग देखने को मिल सकती है लेकिन अगले हफ्ते तक 11,500 की तैयारी जरूर देखने को मिलेगी। पुल बैक ट्रेड पर दाव लगाया है मनीष ने इस पूरे हफ्ते, उसी के साथ उसी स्ट्रैटेजी के साथ वो बने रहेंगे। प्रभाकर साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आज का प्लान क्या है? गुड मॉर्निंग, no I think no we are in a bull market no so yesterday no it was a start again the second leg of the rally and that might continue today and tomorrow also till Diwali. No this rally is likely to continue. I am seeing a all time high now towards Diwali or maybe slightly post Diwali,
So I am very positive on the market, and today there is a good news from Reliance. You know, once they have increased the price, all telecom stocks are up. Right. So Reliance will be the leader leading the rally. And it is करीब 3.5% तक की बढ़त इसमें बनी हुई है, 2.5% तक की तेजी, आई बेग योर पार्डन, 1360 के लेवल्स आ रहे हैं आरआईएल में. अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है टाटा मोटर्स, पहले ये पढ़ देते हैं, उस पर एक ट्रेड समझ लेते हैं, फिर जानकारों से पूछेंगे कि वो क्या स्टॉक्स जोड़ रहे हैं आज अपने पोर्टफोलियो में. टाटा मोटर्स ग्रुप की जो होलसेल, ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े हैं उसमें 27% की गिरावट आई है, घटी है होलसेल बिक्री 27% से, इसीलिए इस घंटे का सबसे बड़ा लूजर है ये, करीब 2.5% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ. मनीष, 117 पर आ चुका है, बताइए क्या किया जाए इस काउंटर में, और प्रेशर आएगा? डेफिनेटली, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए काफी वीक है ये स्टॉक, डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों ही पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है. यहां से मुझे लगता है 105-102 रुपए तक के लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं. सो कोई भी उछाल आएगा 118-120 के आसपास तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा. 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और 105 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है. ओके, तो 105 तक का टारगेट और यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं 117 के लेवल्स पर. देखिए चर्चा करते करते ये स्टॉक फिसल रहा है 3.75% नीचे, तो खबर के साथ आपको ट्रेड भी मिला और यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है. चलिए अब आते हैं खिलाड़ी नंबर वन के आज की स्ट्रेटजी पर. अब तक का पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो आपके सामने रखते हैं और फिर एक एक करके हमारे जानकारों से पूछेंगे कि वो क्या नया जोड़ रहे हैं. सबसे पहले इनफैक्ट श्रीकांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं और श्रीकांत ने इनफैक्ट यूएसएल जो सोमवार को ट्रेड इनिशिएट किया था वो अभी भी है, होल्ड कर रहे हैं. आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने लिया और मणप्पुरम फाइनेंस इन्होंने कल लिया था, दोनों में इन्होंने कल बाजार बंद होने से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था और आईसीआईसीआई बैंक में एक बहुत बढ़िया ट्रेड इनके हाथ लगा. मनीष ने जो ट्रेड इनिशिएट किए वो आपकी स्क्रीन पर है. मनीष ने बीपी और एचपी पर तेजी का कॉल दिया, बर्जर पेंस पर भी इनका तेजी का कॉल था. अच्छा, इन तीनों पोजिशन से दरअसल इन्होंने एग्जिट कर लिया है, बर्जर पेंस, एचपीसीएल और बीपीसीएल. तो मनीष आपको और दो ट्रेड आज सुझाएंगे और साथ ही साथ प्रभाकर साहब ने इनफैक्ट तीन ट्रेड्स इनिशिएट किए, कोरोमंडल फर्टिलाइजर यानी कि कोरोमंडल इंटरनेशनल, अपोलो हॉस्पिटल और मेट्रोपोलिस, इनके साथ ये इस समय बने हुए हैं. तो इनसे पूछेंगे कि क्या इन तीनों में से कुछ निकालना चाहेंगे और इसको रिप्लेस करना चाहेंगे या फिर इनका पोर्टफोलियो एज इट इज रहेगा. चलिए श्रीकांत आपसे शुरुआत करते हैं, काफी कमाई आपने आईसीआईसीआई बैंक में की और इन टाइम आप प्रॉफिट बुक कर पाने में कामयाब थे, ये बताइए आज का अप्रोच क्या रहेगा, कुछ तेजी का स्टॉक इस समय जोड़ना चाहेंगे इसके बदले? अर्षदा देखिए, कल का जो ये आईसीआईसीआई बैंक का जो ट्रेड था वो काफी फॉर्चुनेट ट्रेड था मेरे लिए, बिकॉज मोमेंटम में मार्केट था. इनफैक्ट अगर आज के ओपनिंग को अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग थी 427 के करीब की और कल की क्लोजिंग थी 437 के करीब की. तो ये मार्केट है, अगर आपको अब ट्रेडर अगर हो तो आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप ट्रेडर और आपको जहां पे भी अच्छे गेन्स मिल रहे हैं, विंडफॉल गेन्स मिल रहे हैं, आप उसे एनकैश करते रहिए और जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स हैं अगर वो छोटे शायद प्रॉफिट के साथ अगर आपके राइड अगर हो रहे हैं तो आप उसे राइड कीजिए, लॉस मेकिंग ट्रेड में से आप एग्जिट कर लीजिए. अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि काफी अच्छे पैसे इस मार्केट में बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी उतनी है. आज के दिन में जो मैं आप एक चीज जोड़ना चाह रही थी, आईसीआईसीआई बैंक का जो आपके हाथ प्रॉफिट लगा उसका थोड़ा सा क्रेडिट आपको प्रभाकर साहब को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया फिर आप इसको इंक्लूड कर पाए, अगर वो छोड़ते नहीं तो आपको शायद ये रिटर्न नहीं मिलते. तो मिस्टर प्रभाकर, ये श्रीकांत ने इनफैक्ट जो आपने प्रॉफिट बुक किया उसका पूरा फायदा उठाया कल, आईसीआईसीआई बैंक में आपने एग्जिट किया और लगे हाथ इन्होंने वो पोजीशन खड़ी कर ली. श्रीकांत फिर क्या जोड़ रहे हैं इसके बदले में? देखिए, ये जो अपने एके सर है वो तो काफी ग्रेट है, एक्सपीरियंस्ड है और वो जो लॉन्ग टर्म कॉल्स लेते हैं हम उसी कॉल्स को फॉलो करते हैं और उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म में एंट्री कहां ली जाए. इनफैक्ट उन्होंने बुक किया इसीलिए मुझे वो ट्रेड मिला, नो डाउट इन दैट. आज मैंने जो ट्रेड लिया है वो लिया है हीरो मोटर्स का. मुझे लगता है कि ऑटो स्पेस एक ऐसा स्पेस है कि जहां पे अगर आप देखेंगे तो बिकवाली कम हो रही है और अगर मार्केट में तेजी बनती है तो हमें अच्छी एक स्पाइक देखने को मिलती है. तो हीरो मोटर्स करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, 2630 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और 2579 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है और हम टारगेट्स रखेंगे 2750 के. ओके, तो 2750 का टारगेट, तेजी का ये ट्रेड हीरो मोटोकॉर्प में आ रहा है और 2579 का स्टॉप लॉस लगाना है. हीरो मोटोकॉर्प में एक तेजी की पोजीशन श्रीकांत ने ली है. स्टॉक देख लेते हैं इस समय किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है, ये देखिए करीब 20 रुपए ऊपर है, 0.5% से ज्यादा के रिटर्न्स और श्रीकांत को पूरा भरोसा है कि यहां पर ये कैचअप जरूर करेगा. प्रभाकर साहब बताइए, आप कोई बदलाव करना चाहेंगे? यू हैव कोरोमंडल इंटरनेशनल, अपोलो हॉस्पिटल एंड मेट्रोपोलिस,
इसमें से किसी पोजीशन से एग्जिट करना चाह रहे हैं या फिर बने रहेंगे? आई थिंक नो ऑल द कॉल्स आर वेरी गुड कॉल्स. नो इफ इट वर्क्स नो इट कैन बी मैजिक. एंड मेट्रोपोलिस टुडे द काइंड ऑफ वॉल्यूम इट इज क्लॉक्ड आई थिंक नो इन नेक्स्ट फ्यू डेज नो इट शुड बी अराउंड 1400 to 450. So I think I need to hold it. No, even Apollo Hospital, after correcting from the all-time high, it is showing signs of again reaching the all-time high. Mm-hmm. Coromandel, after a very big rally, is taking a pause. So all three stocks are very good. I will continue with these calls for next. Now, till the target or stop loss gets triggered. Okay. In fact, आपने मेट्रोपोलिस की बात की. मेट्रोपोलिस का चार्ट लेकर आइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि इस पर प्रभाकर साहब कह रहे हैं कि आज काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है. देख लेते हैं, इनका टारगेट है इनफैक्ट 1580 का. इस समय मेट्रोपोलिस की स्थिति कैसी है ये देखिए. स्टॉक आपके सामने कल उन्होंने सुझाया था, 0.5% के गेन्स इसमें देखने को मिल रहे हैं. वॉल्यूम एक्शन जरूर है इस स्टॉक में. 133,000 शेयरों का ट्रेड हो चुका है और उसका पूरा फायदा आगे होपफुली ये वॉल्यूम पिकअप का स्टॉक प्राइस में भी दिखाई देगा और ये अपोलो हॉस्पिटल के साथ भी बने रहेंगे, ये फिलहाल इनकी राय है. मनीष, आपने बीपीसीएल में अपनी पोजीशन भी काट ली, एचपी और बर्जर में कल ही इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो पहला स्टॉक बताइए क्या जोड़ेंगे? जसडाइल में. जसडाइल में अगर आप देखें, लास्ट वीक में एग्रेसिव शॉर्ट्स हमें देखने को मिले थे और डेली चार्ट में इसमें इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिला. करीबन पोल का टारगेट आता है 540 के आसपास. सो मुझे लगता है यहां से करीबन 8 से 10% का करेक्शन जसडाइल में और हमें देखने को मिल सकता है. सो करंट लेवल पे शॉर्ट करने की राय होगी. 635 का स्टॉप लॉस होगा और 540 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे. ओके, ये जसडाइल नया ट्रेड जो आया है वो बताइए डायरेक्टर साहब. ये तो कल वाले ट्रेड हुए. जसडाइल जो इस समय जोड़ा जा रहा है वो दिखाइएगा. पहले चार्ट चेक भी अगर हो सके तो ले लेते हैं. जसडाइल में आज इनफैक्ट हमने देखा है प्रेशर देखने को मिला है. वायदे में सबसे ज्यादा हरकत वाला स्टॉक है और आज 540 के टारगेट के लिए इसे शॉर्ट करने की सलाह मनीष दे रहे हैं. स्टॉप लॉस 635 पर रखिएगा, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है. तो इस समय दो नए ट्रेड्स आए हैं. हीरो मोटोकॉर्प में तेजी की पोजीशन श्रीकांत ने ली है और ऑफकोर्स मनीष कह रहे हैं कि जसडाइल में एक शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चलेंगे. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित. प्लास्टर है तो गारंटी है. इस फेस्टिव सीजन होगा खुशियों का धमाका, क्योंकि सीएनबीसी आवाज बनेगा आपका शॉपिंग गाइड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट गाइड भी. लाइफस्टाइल, प्रॉपर्टी, ऑटो, कमोडिटी और स्टॉक मार्केट पर लेकर आएगा खास शो. चाहे धनतेरस पर खरीदना हो गोल्ड या दिवाली के शुभ दिन करनी हो स्टॉक्स में ट्रेडिंग, धमाकेदार ऑफर, बेस्ट डील और बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज सब मिलेगा यहाँ. देखिए फेस्टिवल बाजार सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर. घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की, इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है, क्योंकि मेरे पीछे SMC है. SMC, मनी वाइज बी वाइज. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय. सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे. सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क. आइए इन्वेस्ट कीजिए इन मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश. MP सिर्फ दिल नहीं है ये धड़कन हिंदुस्तान की. आइए बनिए ताकत हमारी और हम बनेंगे आपकी. कम एक्सपीरियंस द पावर ऑफ ट्रस्ट, पावर ऑफ अ प्रॉमिस, पावर ऑफ कमिटमेंट. आइए बनिए ताकत हमारी और हम बनेंगे आपकी, और हम बनेंगे आपकी. इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ. हैव फेथ इन अस एंड वी विल ऑलवेज
respect your trust. Come and invest in Madhya Pradesh. Magnificent Madhya Pradesh. ताकत विश्वास की धड़कन हिंदुस्तान की मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश उत्तर वीर कमाल दिखा अपना कभी टेबल बन जाता है तो कभी अलमारी वीर MDF आम प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत ज्यादा किफायती दिखे चकाचक टिके टकाटक चलेगा भागेगा बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन Reliance Mutual Fund is now Nippon India Mutual Fund. Nippon Life Insurance Company is a 130-year-old Japanese institution with total assets of over 49 lakh crore. Nippon India Mutual Fund. Good gets better. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन और इस हफ्ते हम इस गेम शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं श्रीकांत चौहान एके प्रभाकर और मनीष शर्मा और देखिए जिन स्टॉक्स का जिक्र कर रहे हैं हमारे जानकार उसमें बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है ब्रेक से ठीक पहले जस्ट डायल पर एक पोजीशन जोड़ी है मंदी की तरफ मनीष ने और वो स्टॉक देखिए वहां से जब इन्होंने इसकी चर्चा की और फिसलता हुआ अब 607 तक के लेवल्स आ चुके हैं 3% से ज्यादा का नुकसान तो एक जो टिक नीचे की तरफ आ रहा है वो मनीष शर्मा के कॉल के बाद साफ होता हुआ और इनका जो कॉल था वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इन्होंने कहा था कि 600 के नीचे जाएगा ये स्टॉक अब 607 के लेवल्स आ चुके हैं 540 का इनका टारगेट है मनीष आपने क्या पढ़ा है चार्ट में कि आप एक अग्रेसिव इतना मंदी का ट्रेड दे रहे हैं कल एक खबर आई थी जो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि ऐसी अफवाह मार्केट में फैली कि शायद इनकी ऐप में डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है आज सुबह में मैनेजमेंट ने BSE पर एक क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है जो भी डेटा हमारे पास है वो काफी सुरक्षित है लेकिन ट्रेडर्स खुश नहीं है उस क्लैरिफिकेशन से आप क्या पढ़ रहे हैं इस ब्रेकडाउन में जी अगर आप ओवरऑल लास्ट वन मंथ का चार्ट देखें तो करीबन 720 के आसपास था ये और एक ही दिन में हमें एक काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था उसमें एग्रेसिव शॉर्ट्स थे और डेली चार्ट पे अभी इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है जो कि अभी कंसोलिडेट है लेकिन 600 अगर तोड़ता है तो काफी एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा और यहां से मुझे लगता है 8 से 10% की फॉल इजिली हमें देखने को मिल सकती है सो इसलिए एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं 540 के आसपास तक के ओके अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं और वो देखिए अग्रेसिव मंदी का ट्रेड है आज जस्ट डायल आपके सामने 3.5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ अच्छा एक दो और काउंटर्स पर मैं राय लेना चाहती हूं फिर आप दोनों से जानूंगी कि कौन से नए ट्रेड्स आप जोड़ रहे हैं हीरो आपने श्रीकांत कहा था और जस्ट डायल ऑफकोर्स मनीष ने जोड़ा प्रभाकर साहब लॉजिस्टिक्स कंपनियां एजिस स्नोमैन दीज आर द स्टॉक्स दैट आर समहाउ इन द लाइमलाइट अगेन डिस्पाइट द फैक्ट कि मिड कैप इंडेक्स करीब 150 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे है कोई टेक व्यू ट्रेडर्स के लिए स्नोमैन या एजिस जैसे काउंटर्स पर सी लॉजिस्टिक आई डोंट थिंक दे विल परफॉर्म इन दिस रैली नो यू नीड टू बी इन सेक्टर्स विच आर गोइंग टू बी वेरी गुड लॉजिस्टिक नो ब्लू डार्ट इज अ बेटर बेट नो देर इज अ गुड बॉटम फॉर्मेशन एंड द फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग देयर बट नो एजिस लॉजिस्टिक नो देर कैन बी अ टेक्निकल बाउंस बैक बट आई डोंट फील दैट वी विल Now get good returns in a long run. So it is safer to be with Blue Dart if you want. Logistic or Mahindra Logistic will be a better bet. Okay. But you know, life insurance is a sector which is performing. Mm-hmm. So if you want to make money for the next 1-2 years, life insurance, you know, private life insurance is where you have to get on. ओके प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर फोकस करें उसमें ज्यादा पैसा बनेगा और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही है जो श्रीकांत शायद अपने पोर्टफोलियो में आज ट्रेड के दौरान जोड़ना चाहेंगे श्रीकांत बताइए कौन सी कंपनी चुनी है आपने अर्षदा मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ एक ऐसा स्टॉक है कि जो काफी स्टेबल हो चुका है 580-575 के करीब और यहां से इसमें वापस स्पाइक देखने को मिल सकती है मुझे लग रहा है कि आज जैसे कि लाइक वीकली एक्सपायरी का दिन है तो हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि जो इंडेक्स के बाहर के हैं right. तो कुछ एक स्टॉक्स में मुझे लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है इनफैक्ट आज के दिन में ICICI लॉम्बार्ड या HDFC AMC अगर ये स्टॉक देखते हो तो वहां पे हमें एक अच्छी हरकत देखने को मिल सकती है जी. तो करंट लेवल से HDFC लाइफ हम लॉन्ग करना चाहेंगे
570 की स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट्स रखेंगे हम 600 से लेकर 605 के। ओके, 600 से 605 के टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ श्रीकांत अपने पोर्टफोलियो में आप जोड़ रहे हैं। मिस्टर प्रभाकर, डू यू ऑल्सो लाइक एचडीएफसी लाइफ या आपको दूसरी कंपनियां पसंद है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जो निजी कंपनियों की आप बात कर रहे थे? My friend is very sharp. Srikant Chauhan always catches it very early. So HDFC Life, SBI Life, ICICI Pru Life, these three are very good for a medium to long term investor. Right. And these stocks will actually in the long term pay a lot of fat returns as well. Ye kai sare brokerages ne kaha hai, kai sare fundamental experts bhi keh rahe hain. और आज एचडीएफसी लाइफ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड श्रीकांत ने इनिशिएट किया, उनको उनका मानना है कि यहां पर आज ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मनीष, आपने जस्टाइल जोड़ा अंधी की तरफ, दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? दूसरा स्टॉक रहेगा टाइटन में शॉर्ट। टाइटन में अगर आप देखें 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1180 के आसपास और वहां से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों ही वीक है और ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है यहां से वापस एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है और अब अगर 1180 के आसपास अगर आता है तो फिर और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट आता है 1100 के आसपास। सो इसलिए मैंने 1100 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। सो कोई भी उछाल आएगा करंट लेवल पे भी शॉर्ट किया जा सकता है 1250 का स्टॉप लॉस के साथ और 1100 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये पोजिशनल टारगेट्स 1100 के हैं। आज के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट आप रखना चाहेंगे? 1180। ओके, और कल भी आपको याद होगा इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से थोड़ी सी नरमी की है। ज्वेलरी बिजनेस में उन्होंने कहा कि 2% तक का स्लो डाउन देखने को मिलेगा एज अगेंस्ट लास्ट क्वार्टर। टाइटन पर एक शॉर्ट कॉल इस समय इनिशिएट किया जा रहा है। चलिए, अब तक के कौन कौन से ट्रेड्स आए हैं सामने वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही देख लेते हैं किस तरह के रिटर्न हमारे जानकार कमा रहे हैं आज के खेल में। खिलाड़ी नंबर वन में मनीष शर्मा ने दो स्टॉक्स आज जोड़े, दोनों शॉर्ट साइड आइडियाज हैं। जस्ट डायल 606 पर ट्रेड कर रहा है, 540 का टारगेट है शॉर्ट करने की सलाह। टाइटन 1228 के लेवल्स हैं, 1100 का इन्होंने पोजिशनल टारगेट दिया है, ये भी एक शॉर्ट ट्रेड है। देखिए दोनों का योगदान अच्छा, जस्ट डायल 1.5% कमाकर दे रहा है मनीष को आज और टाइटन 0.5%, तो इनके रिटर्न्स कुछ बेहतर होंगे ये साफ दिख रहा है। श्रीकांत ने इनफैक्ट दो ट्रेड्स जोड़े, इसमें हीरो मोटोकॉप नया आया है, एचडीएफसी लाइफ भी नया आया है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में पोजीशन पहले की बनी हुई है। तो देख लेते हैं यहां पर किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे ज्यादा कमाई यूएसएल ही कर रहा है जैसे जैसे हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। हीरो मोटो, एचडीएफसी होपफुली आगे बेहतर रिटर्न कमाकर देंगे श्रीकांत के लिए। प्रभाकर साहब ने अपनी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं किया, अपोलो, मेट्रोपोलिस एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल के साथ ये बने रहेंगे फिलहाल, ये इनकी पोजीशंस आपके लिए सामने। आज मेट्रोपोलिस में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है और अपोलो हॉस्पिटल में भी बहुत मामूली सा अपटिक आ रहा है, तो इन दोनों पर भी आप नजर रखिए। चलिए देख लेते हैं अब रिटर्न्स की स्थिति कैसी है। याद रखिएगा कल 3.5% के रिटर्न्स के साथ श्रीकांत आगे थे और श्रीकांत 3.34% रिटर्न्स अभी कमा रहे हैं। मनीष शर्मा पॉजिटिव रिटर्न्स कमाते हुए, जस्ट डायल और टाइटन दोनों ही ट्रेड्स का बहुत ही बढ़िया फायदा इनके हाथ लग रहा है। याद रखिए दोनों शॉर्ट ट्रेड से 1.5% की कमाई इनकी हो गई है। प्रभाकर साहब इस समय अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे, लेकिन उन्होंने पोजिशनल ट्रेड्स आपके सामने रखे हैं। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, आपसे चर्चा हम दिन भर करते रहेंगे और कुछ नए ट्रेड्स आएंगे तो दर्शकों को भी दिखाएंगे। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार फिर डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा क्योंकि अब 650 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है निफ्टी बैंक में और ये अच्छा संकेत नहीं है। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से ही हमने देखा है सबसे ज्यादा प्रेशर, तो निफ्टी बैंक इस समय 650 पॉइंट नीचे। आईसीआईसीआई तेजी से टूटता हुआ, यो लकी कि आपने कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब हम देख रहे हैं करीब 3% तक की गिरावट आ गई है। तो ये वो दिग्गज स्टॉक्स हैं जो निफ्टी बैंक पर प्रेशर डाल रहे हैं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर करेंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन गोल्ड स्पॉट में। नमस्कार। Steel presents Majboot Stocks of the Day. के प्रायोजक है स्वास्थ्यका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड, इन्वेस्ट योर गेट देयर। साविया, जूल्स ऑफ डिजायर।
इस दिवाली मम्मी पापा के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवा। थैंक यू। ये क्या? व्हाट? इट किल्स बैक्टीरिया। वेरी फन। आई नो। एशियन पेंट्स रॉयल हेल्थ शील्ड, द पेंट दैट केयर्स फॉर यू। थोड़ा एचएस है, थोड़ा एचएस। थोड़ा अब नो एचएस, क्योंकि मैंने आवास के आसान होम लोन्स के साथ लिया है एक नया घर हम सब के लिए। एडजस्ट नहीं, अपग्रेड करो आवास के आसान होम लोन के साथ। आवास फाइनेंशियल्स, सपने आपके साथ हमारा।